अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, ओपन योर न्यू काउंट डाउन सेकेंड एडिशन। ओपन पेज नंबर 74, एक्सरसाइज 5B। ईद से पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ टुडे वो स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रॉम द सम ऑफ यानी -5 और 28 का सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे और उसके सम में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे -20 को। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम ऑफ -5 एंड 28। 28 और -5 का सम ले लेते हैं यानी ऐड करना है। सो -5 बीच में सम का उसने कहा है तो कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का, एंड 28 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23। साइन कौन सा आएगा, जो के बड़े नंबर के साथ है, और बड़े नंबर के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। सो आपके पास आंसर में भी क्या, कौन सा साइन आएगा, प्लस का। उसने कहा था फ्रॉम द सम ऑफ दिस यानी -5 और 28 के सम में से हमने इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट मीन माइनस। सो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं +23 यानी सम में से हमने क्या करना है, माइनस करना है किसको, -20 को, ठीक है। ये माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, और ये -20 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। सो जब सेम साइन हो तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में चेंज हो जाते हैं। सो 23 + 23 + 20 दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 43। सेम साइन है सो प्लस का साइन ही यूज़ होगा, प्लस का साइन दोनों के साथ है सो प्लस का साइन ही आएगा आंसर में भी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18 फ्रॉम -23। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ इन दोनों का सम किस में से, -23 में से। सबसे पहले इन दोनों का सम ले लेते हैं -11 एंड -18 का। -11 एज इट इज़ प्लस का सम करना है सो प्लस का साइन आएगा और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, -18 यानी जो दूसरा नंबर गिवन है। -11 जब अपोजिट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो किस में चेंज हो जाते हैं, माइनस में, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, -18। सेम साइन है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी प्लस करना है, दोनों को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 29, लेकिन साइन माइनस, इसके साथ भी माइनस है सो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, -23 में से। -23 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, -23 सब्ट्रैक्ट के लिए यानी माइनस का साइन आ जाएगा और आंसर आपके पास सम का आंसर क्या आया हुआ है, -29। सो वो आ जाएगा माइनस, जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो किस में चेंज होते हैं, प्लस में। सो -23 एंड 29 अपोजिट साइंस हैं सो माइनस करेंगे, जब आप 29 में से 23 को माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 6। साइन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। सो आंसर में भी आपके पास क्या आ जाएगा, +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, मल्टीप्लाई -17 बाय -1 इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। उसने कहा है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -17 को -1 के साथ तो इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17, जो ये प्रोडक्ट होगा नेगेटिव ऑफ -17 का, जब हम इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे, -17 मल्टीप्लाई बाय -1, सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में, यानी माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, तो 17 ones are 17। यस, इट इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। -17 का अगर हम नेगेटिव लें यानी नेगेटिव ऑफ -17 का प्रोडक्ट लें यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल माइनस से, माइनस के साइन से, तो माइनस माइनस प्लस 17 हो जाएगा, इट्स मीन इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। आपने क्या, आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है आपने इसमें ग्रुपिंग कर लेनी है दो दो की।
माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू माइनस 1, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। इसमें हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी पहले दो नंबर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी पहले दो जो नंबर्स आपके पास गिवन है उनको मैंने क्या किया है, कंबाइन कर लिया है कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, एक ग्रुप की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। पहले माइनस 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 टेन जार 170, माइनस इसके साथ कोई साइन इट्स में नहीं, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस 170 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 1 जो तीसरा नंबर आपके पास है, अपोजिट साइंस सेम साइंस हैं, किस में चेंज हो जाएंगे प्लस में, और 170 इसी तरह इसके दूसरे पार्ट में भी हम पहले टू नंबर्स को ग्रुप की फॉर्म में लिख लेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसका जो सेकंड थर्ड पार्ट जो है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, यानी माइनस 23 और 100 का हम ग्रुप बना लेंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2300 विद द माइनस साइन, और उसको जब माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम साइन है प्लस में चेंज हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 23000 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट भी करना है आप लोगों ने। आज के लेक्चर के लिए आपके जस्ट यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ये आप लोगों ने अपनी क्लास वर्क जो नोटबुक्स हैं उसके ऊपर करना है।